क्षेत्र में बढ़ते संक्रमण और उसके कारण बढ़ते कंटेनमेंट जोन ने प्रशासन की मेहनत दुगुनी कर दी है। पहले जहां संक्रमण को नियंत्रित करने में जी जान से जुटे थे, वहीं अब कंटेनमेंट जोन की व्यवस्थाओं में भी शासकीय कर्मचारियों को जुटना पड़ेगा। आज जनपद सभागार में हुई बैठक में SDM मिलिंद ढोके, जनपद CEO पवार और स्वास्थ्य विभाग के नगरीय निकाय और पंचायत कर्मचारियों को कंटेनमेंट क्षेत्र की व्यवस्थाएं बांटी, जिसमें आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी, नगरपालिका, पटवारी, GRS और पंचायत सचिवों को अलग अलग कंटेनमेंट जोन की जिम्मेदारियाँ दी गई। सभागार में SDM ने निर्देशित करते हुए उनके कार्यों को विस्तार पूर्वक समझाया। इस पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं ने अपर्याप्त संसाधनों के चलते संक्रमण होने के भय से ड्यूटी करने में असमर्थता जताई। नाराज होते हुए SDM ढोके ने अपने कर्तव्य पालन का बोध कराया। बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। 4 महीने से हम लोगों को मानदेय नहीं मिला है, क्योंकि बहुत से कार्यकर्ता मानदेय पर ही डिपेंड है, उनका परिवार उसी पे आश्रित है। वो 4 महीने से मानदेय नहीं आया है तो सभी बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं और बहुत हम लोगों को परेशान होना पड़ रहा है मानदेय नहीं मिलने के कारण। काम है उसके बाद भी काम अभी हमको दिया हुआ है और आज हमारी जनपद की मीटिंग हुई थी, SDM सर ने मीटिंग होती थी और उसमें भी हम लोगों को बताया गया कि क्वारंटाइन एरिया में हम लोगों की ड्यूटी है, जो कि हम लोग हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हमारा बेस्ट देंगे ड्यूटी में, लेकिन कोई सुविधा नहीं रहती तो एक थोड़ा सा वो डर बना हुआ है हम लोगों को कि हम कैसे मतलब ये ड्यूटी कर पाएंगे, कैसे क्या पॉसिबल हो पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।